एक कप उड़द की दाल, एक चौथाई कप पोहा। उड़द की दाल और पोहे को 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ठंडा होने पर इन दोनों को मिक्सी में चला लीजिए। अब इस उड़द की दाल के मिक्सचर में 2 कप चावल का आटा डालिए और अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। इस मिक्सचर को हम 2-3 महीनों तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इडली का प्रीमिक्स 1 कप, दही 4 टेबलस्पून, नमक आधी चम्मच, पानी आधी कप से थोड़ा सा ज्यादा, इनो 1 पाउच। 1 कप प्रीमिक्स लीजिए, उसमें दही, नमक, पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स करिए और 15 मिनट के लिए रख दीजिए। इडली के बैटर का टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। कुकर में 2 ग्लास पानी डालकर प्री हीट कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इनो डालकर अच्छे से फेंट लीजिए। पानी डालने से इनो पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब आप इडली स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब इडली के बैटर को हर खांचे में थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इस प्रीमिक्स से आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। इडली को 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए। इस मेजरमेंट से 12 इडली तैयार होंगी। 10 से 12 मिनट के बाद इडली को चेक करिए। ठंडा होने पर उसे सर्व करिए। बिना फर्मेंटेशन के सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली तैयार है। अरहर की दाल 4 टेबलस्पून, उड़द दाल 2 टेबलस्पून, चना दाल 2 टेबलस्पून, चावल 2 टेबलस्पून। इन सभी सामग्री को गोल्डन ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ठंडा होने पर इन सभी चीजों को मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। अब इस मिश्रण में 1 चम्मच हींग, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्सी में चला लीजिए। अब 1 टेबलस्पून जीरा, 1.5 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 3 टेबलस्पून भुना चना और नारियल कसा हुआ 1/4 कप, इन सभी चीजों को अच्छे से भून लीजिए। अब हम दाल और मसालों के मिश्रणों को एक बार फिर से मिक्सी में चलाएंगे और एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। अब एक कुकर लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए। तेल गर्म होने के बाद आधी चम्मच राई, आधी चम्मच हींग, आधी कटोरी टमाटर प्यूरे और थोड़े से कड़ी पत्ते डालकर अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें आप अपने मनपसंद सब्जियां काट कर डालें। मैंने यहाँ पर थोड़ी लौकी, बैंगन, कद्दू, मूली काट कर डाले हैं। फिर इसमें 1/2 कप सांबर प्रीमिक्स डालकर अच्छे से मिलाइए। अब आप इसमें पानी अपने जरूरत अनुसार डालिए। इस मेजरमेंट से आप 6-8 लोगों को सांबर सर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालिए और मिक्स करिए और 4-5 सीटी ले लीजिए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इमली का रस डालेंगे। अगर आपके पास इमली नहीं है
तो आप इसमें एक टेबलस्पून नींबू का रस भी डाल सकते हैं। टेस्टी इडली सांभर तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।